मिसेज आलमिया, मैंने सुना है कि आजकल आप लोगों को प्रेजेंट्स देने के मूड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से आपको भी कुछ तोहफे दूं। वेल, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई होप सो। ये कुछ कीमती सूट्स और साड़ियां हैं। आई होप सो कि ये शादी में आप जरूर पहनेंगे। और ये चाबी। चाबी? जी हाँ, मर्सिडीज की चाबी है, भाड़े की नहीं, मैंने खास तौर पर आपके लिए खरीदी। समझी जी, इस प्रेजेंट का मैं क्या मतलब समझूं? वही जो आपने दीनानाथ जी को प्रेजेंट देते वक्त सोचा था। समझी जी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको हकीकत से वाकिफ कर रहा हूं। आपने शायद यही बात गोल गोल घुमाकर कही होगी, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं, बहुत ही साफ शब्दों में। आपका स्टेटस, आपकी गाड़ियां मेरे स्टेटस से काफी ओछे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको ये कपड़े पहनकर और इसी गाड़ी में शादी में आना होगा। पुरुषोत्तम दास जी, दिस इज टू मच, आप मुझ पर ज्यादति कर रहे हैं। यस, मैं आप पर ज्यादति कर रहा हूं मिस्टर दालमिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने सारे फंक्शंस कैंसिल करने का फैसला किया है। व्हाट? यस। लेकिन क्यों मिस्टर दालमिया? हम बच्चों की शादी में इतना खर्चा करते हैं, इतने फंक्शंस रखते हैं, वो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन तुम ये शादी सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हो, वरना अपना स्टेटस दिखाने के लिए तुम मेरे समधी के पास नहीं जाते। I'm really sorry. मैंने सारे फंक्शंस कैंसिल करवा दिए। आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया डैडी। शादी को लेकर उसका एटीट्यूड ही गलत है। मैं खर्चा कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी है तुम्हारी शादी की, लेकिन उसे अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसे खुशी है तो सिर्फ दिखावे की। मैंने तो सोच लिया है कि बचा हुआ सारा पैसा मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दूंगा। एंड आई विल सी टू इट, उसका प्रचार करूंगा ताकि ऐसे मौकों पर लोग फिजूल खर्ची करना बंद कर दें। और ये दान मैं रश्मि बेटी के नाम से करूं।